नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जामों की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। अभी कुछ न्यूज़ लगातार आप लोग देख रहे होंगे पब्लिक डोमेन में। पब्लिक डोमेन से मतलब है कि सोशल मीडिया में खासतौर से ज़्यादा देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और TGT की वैकेंसीज को लेकर बारे बातें हो रही हैं, तो इस समय वर्तमान में TGT PGT को लेकर बातें ज़्यादा हो रही हैं। इसके लिए थोड़ा सा लेक्चर बनाया है और बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही टू द पॉइंट अपने परस्पेक्टिव के साथ में कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और इसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। अब इसमें दो चीज़ें चल रही हैं वर्तमान में कि शायद 7,000 जो पद हैं वो TGT PGT में आ सकते हैं, है ना। ऐसी कुछ समाचार पत्रों में भी न्यूज़ मिली है या इस तरह का कुछ एक माहौल है, ये चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ हमको पता है कि सुपर टेट की भी चल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में UP TET का रिजल्ट है। UP TET के रिजल्ट को लेकर भी कुछ बात करेंगे। अब देखिए कि इन वैकेंसीज के ऊपर पहले बात कर लेते हैं क्या सिचुएशन है। देखिए, कई जगह पे लगातार वीडियो भी बन रहे हैं या कई बातें भी हैं कि 7,000 के नोटिफिकेशन जस्ट अभी हो ही रहा है या बस आने ही वाला है। तो दो तीन चीज़ें मैं अपना पर्सपेक्टिव एक रख रहा हूँ कि देखिए, जो ये TGT PGT की वैकेंसी है, जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या चयन आयोग है ना, माध्यमिक शिक्षा का जो चयन आयोग है, उसकी जो काउंसिल है, उसकी जो परिषद है, उसमें 10 सदस्य होते हैं मेरे ख्याल से, जिसमें से कि वर्तमान में कोई भी पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। अभी कुछ जो लोग रह गए थे वो भी शायद अभी जल्दी ही उनका समय पूरा हो गया है। तो जब उस परिषद में, उस काउंसिल में, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी इतनी बड़ी एग्जाम के नोटिफिकेशन के लिए, परीक्षा करवाने के लिए, तो उसमें भी शायद पूर्ण रूप से सारे सदस्य अगर होंगे तो ही एक हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि नोटिफिकेशन में काम चल सकता है। तो उस समय, जिस समय कि काउंसिल खुद अपने मजबूत रूप में नहीं है, तो इस समय नोटिफिकेशन की जो आस है थोड़ी सी मुझे धुंधली लगती है। और जैसा लग रहा है कि तुरंत आ जाएगी वैकेंसीज तो आएंगी, लेकिन हाँ, मुझे लगता है अभी भी एट प्रेजेंट भी कि UP PRT पहले आएगा, सुपर टेट पहले आएगा। इस 7,000 की जगह में 17,000 हो जाए, चाहे 20,000 हो जाए, जो भी वैकेंसी है TGT PGT की, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा विलंब हो, क्योंकि शायद अभी जितना मैं पता कर पाया हूँ उसमें यह है कि भी 10 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 पूर्णकालिक सदस्य ही थे और उनका भी अभी टेन्योर पूरा हो गया था, तो उनके भी कार्यकाल पूरा हो गया है। अगर नोटिफिकेशन का कुछ शेड्यूल रहता तो शायद उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया होता, या कुछ भी। खैर, ये मेरे प्रेरोगेटिव की बात नहीं है, ये मैंने कुछ ऐसे लोग जो कि प्रशासन में हैं या ऐसे लोग जो कि कवर करते हैं चीज़ों को, तो उनसे ये चीज़ें पूछी, तब ये कुछ बारीकियां पता लगी। तो इससे एक आइडिया लग सकता है कि माइट भी इस वैकेंसी में थोड़ा सा आगे पीछे में देखने को मिले। और मैं अभी भी इतने स्टैंड पे हूँ कि सुपर टेट शायद पहले आ जाए, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों लगभग एक साथ आ जाए। अब मुद्दा यह है कि आपको प्रिपरेशन को लेकर जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं या कैसे क्या करना है, देखिए, जो सुपर टेट है, UP PRT है, इसको ये प्री डिक्लेयर्ड वैकेंसी है 17,000 की, मतलब चुनाव से पहले डिक्लेयर्ड हो चुकी थी, तो मतलब इसमें नया कुछ नहीं होगा। और अगर मैं क्लियर कट बात करूं, अगर जो प्रशासनिक क्षेत्रों में जो डिस्कशन है, क्योंकि क्या होगा, जो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि इसमें ऐसी न्यूज़ प्लांट करना आसान नहीं होता कि कोई भी कुछ भी बोल दे। हाँ, अपनी मर्जी से कोई कुछ बोल दे अलग बात है, ये जरूर उम्मीद है कि इस गर्मियों में ये वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है और उसके 3-4 महीनों के बाद यह एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब कि हम जो मई के लास्ट जून में ना ये वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती हैं, सब ठीक रहे तो। और तब तक क्या पता भी ये आपको TGT PGT भी देखने को मिल जाए, लेकिन हाँ, एकदम से कि अप्रैल में ही आ जाएगी, इसमें थोड़ा सा मैं एग्री शायद नहीं हूँ। मैं भगवान करे मैं गलत हो जाऊँ और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल जल्दी आ जाए, है ना। अब आप ना देखिए, दो चीज़ आपको ध्यान देने की, आप सिर्फ बैठ के जजमेंट मत पास करिए कि तुमने सही बोला, तुमने गलत बोला, क्या बोला, नहीं बोला। और न्यूज़ के बाजार से बचिए। बहुत मजबूरी मुझे लेक्चर बनाना पड़ रहा है, बिकॉज फ्लड ऑफ मैसेजेस मेरे पास आ गए थे कि नोटिफिकेशन आ गया सर, ये क्लासेस स्टार्ट करिए, वो क्लासेस स्टार्ट करिए, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर जब अगर UP TGT की वैकेंसी आएगी, PGT की वैकेंसी आएगी, तो हम लोग सोशल साइंस को लेके, नेचुरल साइंसेज को लेके, या बायोलॉजी जिसको बोलते हैं उसको लेके ही कवर करेंगे, थोड़ा सा होम साइंस को लेके कवर करेंगे, बाकी की फैकल्टी हमारे पास है भी नहीं, और उसी लिमिटेड चीज़ों कवर करेंगे। सुपर टेट को पूरा हमें कवर करना है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हमें लेके चीज़ों को चलना होगा प्रिपरेशन के साथ करते हुए। अब ये नहीं कि ये जी अभी वैकेंसी नहीं आ रही तो सो जाओ, फिर दूसरे वीडियो देखो बोलो अच्छा आ रही है। आप ना मतलब इस धारा में मत फंसो, आ रही है कि नहीं आ रही है, आ जाएगी तो कुछ नहीं कर पाओगे, बस
वो बोलते हैं ना साधारण भाषा में, दांत नहीं फोड़ देगा आदमी, हो गया काम खत्म, कुछ नहीं रह गया। अभी वो टाइम है जब आपको अपने को कंटिन्यूसली किल करना है। कई बच्चे से बात होती है जो सिंसियर बच्चे हैं, वो पूछते हैं कि हमने सर ये पोर्शन कर लिया है। मैं आपको बताऊँ कितने सिंसियर बच्चे हैं, TGT की वैकेंसी आए, कब आएगी नहीं, उन्हें मतलब नहीं है, सब्जेक्ट पूरा रेडी करके बैठे हैं, सर नोटिफिकेशन आने तो ऐसे कुचल देंगे पेपर को। फिर आप कहोगे कि सर हमारे तो इतना रह जाता है, वैकेंसी आई थी ना पिछले साल, क्या किया आपने, यहाँ देखो कि कहाँ कमी रह गई थी आपसे, नेक्स्ट वैकेंसी कब आ रही है, ये आपका वक्तव्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी में मैं कितना तेज़ी से कुचलने जा रहा हूँ, ये आपका वक्तव्य होना चाहिए। अभी बहुत क्रूशल टाइम है, TGT PGT के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, प्लीज़ सब कुछ छोड़ के अपना सब्जेक्ट नेट GRF लेवल तक अपना प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। GS जनरल पोर्शन मेरे पे छोड़ दीजिए, और जब वैकेंसी आएगी तब GS जनरल पोर्शन को करने की कोशिश करिएगा, अभी सिर्फ सब्जेक्ट को कर लो। सुपर टेट वाले लगे रहो, मुझे लगता है कि मई लास्ट या जून में ये वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है, 40,000 से 51,000 भी हो सकता है। अब इसमें दो तीन बातें हैं कि सरकार क्या पता इन वैकेंसीज को दो तीन भाग, जैसे कि अगर उसे 51,000 लोगों को भर्ती करना है तो क्या पता इसको दो भाग में, कुछ वैकेंसी इस साल ले आए, कुछ वैकेंसी अगले साल भी ले आए, है ना, क्योंकि सरकार तो अभी चुनाव से जीत के आई है, ऐसा कुछ फाउंडेशन के पास है नहीं, है ना। तो 17,000 क्योंकि प्री डिसाइडेड थी, तो ये क्या पता इतनी वैकेंसी के साथ एटलीस्ट ये लोग आ जाएं। अब इस चीज़ को एक चीज़ समझ लीजिए, सिचुएशन बदल रही है, वो आपके लिए ऐसा नहीं कि 3.5 लाख वैकेंसी आएगी तभी आप पेपर दोगे बाबूजी बन के, तभी आप सिलेक्शन निकालोगे, 17,000 आएगा आपको देना पड़ेगा, नहीं देना है जाइए दूसरा तैयार बैठा हुआ आपके लिए, ना कोई एहसान नहीं कर रहे आप बिल्कुल कि 17,000 तो क्या 17,000, अरे आपको एक चाहिए महाराज 17,000। PCS देखिए 800, 400, 300 आती है, दुनिया भर के बच्चे फाइट करते, कोई चू नहीं करता कि वैकेंसी कम आएगी ज़्यादा आई है, लगते हैं लोग पढ़ने, बात खत्म। अब आपको 50,000 नहीं आएगी तो आप पढ़ भी नहीं करेंगे, कि बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है, अपने फेलियर को छिपाने का सिर्फ तरीका है। आई तो थी, अगर आप पहले एलिजिबल थे तो तुमने क्यों नहीं क्लियर किया, आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अपने से कठोरों के सवाल पूछिए, हम लोग अपनी बातों पे जब अपने को बचाने की बारी आती है तो हम वकील बन जाते हैं, और जब दूसरे का चीरहरण करना होता है तो हम जज बन जाते हैं। इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ से निकल के, और ये जो सर्कस खुला हुआ है इस सर्कस से बचिए। हर चैनल पे मतलब सिर्फ सर्कस चल रहा है, लोगों के बैचेस लेने के लिए, बच्चों को गुमराह करने के लिए, या कुछ भी, कई बार ना ओवर थिंकिंग भी, ओवर बर्डन हो जाता है हमारा दिमाग, मल्टीपल जब सोर्सेज से न्यूज़ मिलती हैं, लिमिटेड रहिए, वैकेंसी आएगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, अखबार में पता लग जाएगा, कहीं पता लग ही जाएगा कि नोटिफिकेशन आ गया, उससे पहले सिर्फ आपको पढ़ना है। आपके चार दिन से परेशान होने से कुछ नहीं बदलने वाला कि कब आएगा नोटिफिकेशन नहीं आएगा, खींच खींच टाइम पढ़ लीजिए। हाँ, इस साल में UPPRT में कंप्लीट होते हुए देख रहा हूँ, एटलीस्ट 17,000 तो देख ही रहा हूँ, बाकी ईश्वर मालिक है, शायद 40,000 भी आ जाए, 50,000 भी आ जाए। PET जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ग्रुप सी की पोस्टों के लिए, वो आपको अगस्त में होता हुआ दिखेगा, उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। वीडियो 2019 के ऊपर काम हो रहा है, लेखपाल के ऊपर काम हो रहा है, तो कई सारे वैकेंसी एकदम से आएंगे, फिर ढप्पा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा, KVS PRT UPPRT UPPCS, इसके लिए मेहनत करिए, जम के लग जाइए। इसके साथ साथ जो और एग्ज़ाम आएंगे ना, जो PET वगैरह, इसी प्रिपरेशन में से बह जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।